ओम अरहम सुगुरु शरणम विघ्न हरणम मिटे मरणम सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहम बने अरहम बने अरहम बने अरहम। आज की जो कक्षा है हमारे दिलीप जी जो पुन्ना से है और बहुत अच्छे प्रशिक्षक है, वो एक्चुअली जिला परिषद में कार्यरत थे और रिटायरमेंट लिया उन्होंने और उसके बाद में योगा को समर्पण और समर्पित भाव से योगा करते, सिर्फ खुद करते नहीं तो लोगों को ऑफलाइन क्लासेस भी लेते। तो हमारे संवाद अंतर्राष्ट्रीय और एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योगा के द्वारा हम सभी उनका ताली बजा के हार्दिक हार्दिक स्वागत करते। और हमारे जो एमपी के फिटनेस क्लासेस के फाउंडर है आनंदमल सेठिया सर, वो भी स्क्रीन पे हैं। सर बहुत निरंतर क्लास चलाते हैं और एमपी के फिटनेस क्लासेस की वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नोंद हो गई। उन्होंने कंटिन्यूअसली कोविड के शुरुआत से ही ये क्लास निरंतर शुरू है और इस जो रिकॉर्ड है रिकॉर्ड लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसकी दर्ज की गई। और ऐसे ही हमारे अच्छे अच्छे लोग हमारे साथ में जुड़े और सूरत के जो हमारा कल्याणम योगा है उसके अलका जी भी हमारे साथ में है। तो ये तीनों संस्थाओं के द्वारा निरंतर ये प्रयास रहता कि हर व्यक्ति तक योगा का प्रचार होना चाहिए। तो आप जैसे ट्रेनर दिलीप जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं आपका अभिनंदन करूंगा और ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आज की कक्षा आप शुरू कर सकते हैं। ओम 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 सभी को प्रणाम। आप प्रणाम स्टार्ट में करेंगे प्रार्थना बोलेंगे जो भी है सुखासन सिद्धासन पद्मासन उसमें बैठना है, श्वास लेना है, श्वास छोड़ के 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे श्वास भर के। गायत्री मंत्र ओम भूभुवस्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टि वर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनम् मृत्योर्मोक्षीयमामृतम्। ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ॐ अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्यु मा अमृतमय गमय। स्टार्ट में करेंगे योगिंग जॉगिंग, सब खड़े हो जाएंगे।
नॉर्मल चलना है ऐसा। बाद में दौड़ासन, दौड़ लगाना है ऐसा। बाद में हनुमान जंप। बाद में हाथ कमर पे रखो, घुटना आपने छाती की तरफ लाना है इसे। बाद में अर्ध बैठक, पर्चे में जितना बैठना है उतना झुकना है, श्वास छोड़ के श्वास लेके ऊपर आना है। बाद में जंप करके दोनों पैरों में फंसते रहने से, दोनों हाथ सामने मोड़ना है, घुटना मोड़ना है, इससे बिटना है। बाद में करेंगे वीरासन, एक पैर आगे, घुटना मोड़ना है, पीछे वाला पैर सीधा करके दूसरी तरफ से। बाद में दोनों पैर मिलाना, हाथ सामने श्वास लेके और ताना से छाती ताना है। Four, five, six, seven, eight. 9, 10. बाद में करेंगे ताड़ासन, दोनों पैर मिले हुए, हाथ को साइड से ऊपर लेना है, कंधे के बराबर। बाद में कलाई को आकाश की तरफ करना है, हाथ मोड़ के अपने सिर के ऊपर और सीधा ऊपर खींचना है, जितना हो सके उतना होल्ड करना है। ये बच्चों के लिए हाइट बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। और एक बार करेंगे, सॉरी, हाथ साइड से नीचे। इसके बाद करेंगे तिरक ताड़ासन, दोनों पैरों में फंसना,
कंधा जितना कंधा है उतना पैरों में फैसले लेने हैं, दोनों ऊपर कान के बराबर। अभी साइड बेंडिंग करना है, झुकना है, थोड़ी होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितना हो सके उतना होल्ड करना है। वापिस श्वास ऊपर आना है, दूसरी तरफ। और एक बार करेंगे, दूसरी तरफ। एक रे अभी फास्ट में करेंगे ऐसा। टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और टेन। हाथ नीचे। इसके बाद करेंगे अभी त्रिकोणासन। बाय दाएं पर मोड़ना है और ऐसा ऐसा नीचे जाना है। अपना अंगूठा पकड़ना है, जो हाथ ऊपर है उसकी तरफ मुंडी घुमाना है और ऊपर देखना है ऐसा। थोड़ा होल्ड करना है, अपना बैलेंस संभाल के ऐसा ऐसा ऊपर आना है। अभी दूसरी तरफ बाया पैर मोड़ो, नीचे आना, त्रिकोणासन कर रहे हैं, ऊपर देखना है, थोड़ा सा होल्ड करना है, अपना बैलेंस संभाल के अपने हिसाब से करना है, ऐसा ऐसा ऊपर आना है। अभी यही क्रिया थोड़ी फास्ट में करना है ऐसा, हाथ ऐसा कान के ऊपर ऐसा। टू तीन चार पांच छ सात आठ नौ और दस। ये हो गया त्रिकोणासन। बाद में करेंगे पादहस्तासन। दोनों पर मोड़ना है, हाथ ऊपर कंधे के बराबर, थोड़ा पीछे झुकना है, बैलेंस संभाल, थोड़ा होल्ड करो, श्वास छोड़ के आगे झुकना है। दोनों हाथ अपने पैर के बाजू में और अपना माथा टिकन है गुड लेग, थोड़ा सा होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 श्वास लेके ऊपर आना है, थोड़ा सांस निकालना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया ऐसा। खड़े होके दो नंबर का आसन 50 बार करेंगे तो वजन कम हो जाएगा आराम आराम से। अभी इसके बाद करेंगे दोनों पैर में अंतर कोणासन। दोनों हाथ कंधे के बराबर, दाया हाथ बाया पैर पर टच करना है। चार अंक 1 2 3 4 4 3 2 1 1 2 3 4 4 3 2 1 1 2 3 4 4
4 3 2 1 1 2 3 4 4 3 2 1 1 2 3 4 4 3 2 1 अभी दो अंक पे करना है, पूरा झुकना है, हाथ सीधा रखना है, टच करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसके बाद करेंगे पीटी, चार अंक में ऐसा 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
बाद में दोनों पैर मिला के उम्र को ऐसा ट्विस्ट करना है ऐसा फाइव टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन बाद में ऐसा घुमाना है इसके बाद करेंगे वृक्षासन बाया पैर मोड़ना है निजांग दर लगाना है ऐसा तो ऊपर करके खड़े होना है श्वास छोड़ते अभी दूसरे भाई से करना है जान के ऊपर घुटने ऊपर आराम आराम से करना है ऐसा पहले ऐसा करो बाद में बैलेंस स्थिर होने के बाद एक जगह नजर को टिकाना है ध्यान एक ही जगह लगाना है बैलेंस नहीं जाता आराम आराम से पैर नीचे इसके बाद करेंगे सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे अपने मैट के ऊपर थोड़ा आगे आना है दोनों पैर मिलाना है दोनों हाथ को मिलाना है 12 सूर्य नमस्कार करेंगे मंत्र के साथ करेंगे ओम मित्राय नमः एक दो तीन चार पांच सात आठ नौ दह अकरा बारह ओम रवये नमः वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ओम सूर्याय नमः वन टू थ्री फोर फाइव
सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व ओम भानवे नमः वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व ओम खगाय नमः वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व ओम भूषे नमः वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व ओम हिरण्यगर्भाय नमः वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व ओम मरीचे नमः वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व ओम आदित्याय नमः वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व ओम सावित्रे नमः वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व ओम अर्काय नमः वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व ओम भास्कराय नमः वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व बाद में लास्ट वाला करेंगे थोड़ा में और बीज मंत्र के साथ करेंगे दोनों पर ओम राम ह्रीम रूम रई डोम प्रहा पित्र रवि सूर्य भानु खग भूषण हिरण्य गर्भ मरीचि अदिति सवितु अर्थ भास्करभ्यो नमो नमः। एक नंबर रहा नमस्कार संस्कृति दोनों पैर मिले हुए दोनों हाथ मिले हुए अंगूठे अपने
छाती की तरफ उंगलियां सामने देना चाहिए। श्वास लेना है और छोड़ना है, एक नंबर की पोजिशन। उसका चक्र है अनाज चक्र। दो नंबर को श्वास लेके हाथ को ऊपर लेके जाना है, दोनों हाथ कंधे के बराबर पीछे की ओर झुकना है। दो नंबर का आसन है ऊर्ध्वस्थासन। और चक्र है ओ विशुद्धि चक्र। इनको श्वास छोड़ के नीचे आना है, दोनों हाथ अपने पैरों के बाजू में, अपना माथा घुटने को टिकाना है। पाद हस्तासन है स्वाधिष्ठान चक्र। चार को श्वास लेके यहाँ पर खींच लेने का, कंबर थोड़ा नीचे दबा के आकाश की तरफ देखना। ये हो गया आज्ञा चक्र। दाया पैर पीछे लेना है, श्वास छोड़ के दोनों पैर पीढ़िया जमीन की टिकाना है, अपनी अनौठी थोड़ी छाती को लगाना है। ये हो गया पर्वतासन विशुद्धि चक्र। आदमी छह नंबर को घुटने टिकाना है, कमर और पेट थोड़ा ऊपर छाती जमीन पे अनौठी जमीन, दो पैर दो घुटने दो हाथ अनौठी और छाती, ऐसे आठ जमीन को टेकाना है, आठ अंग जमीन को टेकाना है। साष्टांग नमनासन हो गया मणिपुर चक्र। श्वास लेके कमर दबा के आकाश की तरफ देखना है। भुजंगासन स्वाधिष्ठान चक्र। वापिस आना है अभी पर्वतासन में, पंजे की इडिया जमीन पे टिकाना है, हथौड़ी को छाती को लगाना है। पर्वतासन है विशुद्धि चक्र। श्वास लेके पाया पैर आगे कंबर दबा के आकाश की तरफ देखना है। आज्ञा चक्र अभी पाया पैर आगे दोनों हथियारों के पैर के अनिष्ठा के पास अपना माथा टिकाना है। हमने इस स्वाधिष्ठान चक्र श्वास लेके ऊर्ध्वस्थासन 11 नंबर की पोजीशन विशुद्धि चक्र। अभी हाथ को मिलाना है सामने चला रहा है। नमस्कार सर पूर्व सीधा हो गया ऑफिस खाना हाथ साइड में से साइड में लेना है। अभी करेंगे थोड़ा सा पारंपरिक व्यायाम लास्ट वाला। दोनों हाथ सर रखना है और जब मार के पीछे जाना है सर। वन टू थ्री, वन टू थ्री, वन टू थ्री। जिसको जानता नहीं वो साधारण दंड भी कर सकते हैं ऐसा। पैर को पीछे लेके ऐसा पीछे करना है और तीन अंक में करना है ऐसा ऐसा। वन टू थ्री, वन टू थ्री, वन टू थ्री, ऐसा भी कर सकते हैं। बाद में हनुमान दंड भी लगा सकते हैं जिनको ऐसा पैर आगे लाना है ऐसा। हाथ के बाजू में लाना है ऐसा। ये ऐसा जो जमता है पारंपरिक व्यायाम करना है ऐसा। बाद में आएंगे अभी वज्रासन में बैठ जाएंगे। थोड़ा रेस्ट ले लो वज्रासन में बैठ में। अभी जाएंगे अब करेंगे मंडूकासन। वज्रासन में बैठ गए दोनों घुटने मिल गए, सीढ़ी के ऊपर बैठना है। दोनों हाथ सामने मुठिया क्लोज करना है, घुटने को अपने नाभि की तरफ लाना है और श्वास छोड़ के आगे झुकना है, जितना हो सके उतना झुकना है और ऐसा होल्ड करना है। जिनको डायबिटीज है शुगर का प्रॉब्लम है उन्होंने ये करना है, दो से तीन मिनट तक ऐसा रुकना है। ऐसा श्वास लेके
वो आप ही जो कराना है। और एक बार करेंगे श्वास छोड़ के सामने की ओर झुकेंगे, सामने देखना है, थोड़ी बार जितना हो सके उतना रुकना है, श्वास लेके वापिस ऊपर। अभी ऐसा पंजा ऐसा नाभि के ऊपर रखना है, उसके ऊपर दाया दाया वापिस श्वास छोड़ के आगे झुकना है, श्वास लेके ऊपर। अभी हाथ चेंज करेंगे, दाया दाया हाथ अंदर ऊपर बाया हाथ, और फिर श्वास छोड़ के सामने जाएंगे, सामने झुकेंगे, श्वास लेके वापिस ऊपर। अभी इसके बाद करेंगे शिष्य का आसन, वज्रासन में भी बैठे हैं, दोनों हाथ अपने घुटने के ऊपर रखना है, और श्वास लेके थोड़ा ऐसा पेट को पीछे की ओर झुकाना है कितना हो। अभी श्वास छोड़ के वापिस आगे झुकना है, अपने कोनिया को जमीन पे टिकाना है, माथा भी जमीन पे टिकाना है, और ऐसा होल्ड करना है, संत श्वसन करना है, स्लो श्वसन करना है, इनहेल इन आउट रोकना है। श्वास लेके वापिस ऊपर आएंगे, वापिस किसी का और झुकेंगे, और श्वास छोड़ के वापिस आगे की ओर झुकना है, अपने कोने को जमीन पर टिकाना है, माथा जमीन पर टिकाना है, पीछे से शर्ट को उठाना है, पेट के ऊपर रखना है, चिपक के श्वास लेके वापिस ऊपर साइड में से खाली करना है। इसके बाद करेंगे अभी उष्ट्रासन, दोनों घुटने के ऊपर ऐसा खड़ा होना है, दोनों हाथ अंगूठा सामने और उंगलियां पीछे की तरफ, और जितना हो सके उतना झुकना है ऐसा अर्ध उष्ट्रासन। जब कोरोना था ना तभी ये करने को बोला था बाबा ने, ऐसा झुकना है, श्वास लेके वापिस ऊपर आना है, और एक बार करेंगे श्वास छोड़ के पीछे क्या हो जाएंगे, श्वास लेके वापिस ऊपर आना है। इसके बाद करेंगे उष्ट्रासन, अभी दाया हाथ दाएं एड़ी के ऊपर, बाएं हाथ बाएं एड़ी के ऊपर, श्वास छोड़ के वापिस पीछे झुकना है, और ऐसा होल्ड करना है, कमर के लिए कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा, पक्ष विकास भी होता है, श्वास छोड़ के वापिस ऊपर आना है दोनों हाथ, और एक बार करेंगे दाया हाथ लेफ्ट वाला सीधा। अभी करेंगे चंद्रासन, ऐसा बोलना है में डालना है, आकाश की तरफ ऊपर ऐसे देखना है, आँख खुली रखना है, श्वास छोड़ के वापिस गर्दन सामने, और हाथ छोड़ के वापिस, और एक बार करेंगे हिंदी से करना है। अभी आगे आएंगे मार्गरासन, दोनों हाथ अपने छाती के नीचे, और श्वास लेके थोड़ी को छाती को लगाना है,
आएंगे वज्रासन से आएंगे दंडासन में सब बैठेंगे सीधा दोनों पैर मिले हुए सीधा बैठना है मेरे दंड सीधा होने चाहिए ऐसा प्रश्न ये दंडासन है कोई भी आसन करना है बैठने वाला आसन फिर यहीं से स्टार्ट होता है अभी करेंगे गोमुखासन राइट वाला पे मोड़ेंगे इधर लाएंगे आप लेफ्ट वाली सीट के बाजू में लाएंगे इनको जैसे इड़े पर बैठ भी सकते हैं ऐसा और बाया पर मोड़ेंगे डायरे घुटने के ऊपर के ऐसा इस साइड पे ऐसा करेंगे अभी जो घुटना ऊपर हुआ तो ऊपर उठाएंगे होल्ड करेंगे बाद में यह पीछे से पकड़ेंगे गोमुखासन ठीक है सामने देखना है नजर सामने थोड़ा होल्ड करो श्वास छोड़ के वापिस साइड से नीचे वाला पैर सीधा करना है पहले बाद में ऊपर वाला अभी लेफ्ट वाला फोल्ड करो इस शीट को लगाना है राइट शीट को लगाना है बाद वाला राइट वाला मोड़ के ऊपर ऐसा बैठना है अभी राइट वाला ऊपर जाएंगे लेफ्ट वाला पीछे जाएंगे ऐसे उंगली पकड़ना है सामने देखेंगे फिर गोमुखासन श्वास के साइड में से नीचे वाला पैर सीधा फिर पैर सीधा इसके बाद करेंगे अभी वक्रासन राइट वाला पैर मोड़ेंगे राइट वाला एंड बीच लेके जाएंगे लेफ्ट वाला उठाएंगे उठने और इसके बीच में से ऐसा पकड़े और पीछे की तरफ ऐसे देखना है मोड़ के 90 डिग्री पीछे देखना है पीछे देखना है ऐसा पेट के लिए डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा वापस ये पैर सीधा अभी लेफ्ट वाला मोड़ लेफ्ट वाला हाथ पीछे राइट वाला हाथ सब बीच में से ये पकड़ना है और पीछे की तरफ देखना है वैसा पीछे देखना है श्वास छोड़ के इसकी बात करेंगे अर्धमुचंद्रासन राइट राइट वाला मोड़ो लेफ्ट वाला और जैसे साइड में रखना है इसको ऐसा सामने से ऐसा रखना है और ये वाला मोड़ के ऐसा ऐसा पकड़ के या पीछे से ऐसा पेट में से ऐसे पेट के आगे ऐसा और पीछे देखना है इतना शॉर्ट शॉर्ट नीचे वाला पर सीधा और ये फिर सीधा ऐसा अभी लेफ्ट वाला मोड़ो दाया पे घुटने के बाजू में ऐसा खड़ा करना है लेफ्ट वाला तो उठा के ऐसा फिर पकड़ना है और जाता से पीछे से पीछे का और देखना चार छोड़ के पीछे वाला पैर सीधा पेट में अभी आएंगे पेट के ऊपर दोनों हाथ को अपने थोड़ी के बाद में लगाएंगे दोनों पैर मिले हुए एक एक पैर ऐसे मकरासन एक एक पैर ऐसे पीछे से लगाएंगे सिर को ऐसे 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, 1, 2,
थ्री फोर, अपने दोनों पैर एक साथ सीट को लगाना है पीछे से, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व। रिलैक्स, दोनों हाथ अपने छाती के बाजू में ला। अभी करेंगे अर्धभुजंगासन, श्वास लेके थोड़ा सा होले के ऊपर आना है, नाभि तक का भाग ऐसा ऊपर उठाना है, ऐसे देखो सामने देखो, इसे होल्ड करना है कमर के लिए, बहुत बहुत पास छोड़ के वापिस नीचे आना है। और एक बार करेंगे श्वास भरा, एक श्वास छोड़ नीचे आना है। इसके बाद करेंगे पूर्ण भुजंगासन, पूरा उठाने कंबर नीचे दबा के पैर मिले हुए और आकाश की तरफ देख रहे हैं, ऐसा होल्ड कर रहे हैं, ऐसा स्टार्ट छोड़ के वापिस नीचे आना है। तो और एक बार करेंगे शॉर्ट था, वन इसके बाद करेंगे तिर्यक भुजंगासन, दोनों पैर में फासला लेना है, इडिया अंदर पंजे बाहर, दोनों हाथ अपनी छाती की तरफ, चौंस लेके ऊपर उठना है कमर नीचे दबा के, ऐसा ऊपर लेफ्ट साइड को देखना है, ऐसा लेफ्ट साइड को देख के राइट साइड को इडी को देखना है पीछे से, सामने देख रहे हैं वापिस लेके हुआ। अभी राइट साइड को गर्दन घुमाना है पीछे का और देखना है, सामने देख रहे हैं वापिस नीचे आ रहा है। और एक बार करेंगे, वन टू थ्री फोर फोर थ्री टू वन, हो गया तिरक भुजंगासन। अभी सरल से भुजंगासन, दोनों पैर मिलाओ, बाया हाथ पंजे के ऊपर दया बन जा। अभी वापस हाथ सीधा होते कमर के नीचे दबा के सीधा उठना है, वापिस वापिस नीचे। इसके बाद करेंगे अभी दोनों हाथ को अपने नीचे, अपने कमर के नीचे मांडी की तरफ लेके जाना है, थोड़ी को जमीन पे टिकाना है और राइट वाला पैर ऊपर उठाना है, चौथ लेके श्वास उड़क नीचे। अभी लेफ्ट वाला पैर, वन कल्पासन एक नंबर, श्वास उड़क खाई
वापिस राइट वाला ऊपर उठा ना, श्वास रखते नीचे, लेफ्ट वाला श्वास रखते नीचे। अभी दोनों पर को ऊपर से उठाना है, पीछे से थोड़ी को जोर लगा के दोनों पर पीछे से ऊपर को उठाना है, ऐसा होल्ड करना है जितना हो सके ऐसा। श्वास छोड़ के वापिस, और एक बार करेंगे, श्वास लेके पैर को पीछे से उठाए, श्वास छोड़ के वापिस लीजिए। दोनों हाथ अपने कमर के बाजू में, अभी करेंगे दोनों आसन, दोनों घुटने मुड़ेंगे ऐसे, एड़ी को पकड़ेंगे, श्वास लेके छातिया और घुटने दोनों उठाना है, और ऐसे होल्ड करना है दोनों आसन। श्वास लेके वापिस नीचे आना, पैर सीधा करना, और एक बार करेंगे घुटने मोड़ो, अच्छे पकड़ो और श्वास लेके छाती और घुटने दोनों उठाना है, श्वास छोड़त सबका ऐसा ऐसा नीचे आना है, सब कुछ घुमा के अभी पेट के ऊपर आना है, दोनों पैर सीधा, दोनों हाथ अपने कमर के बाजू में रखेंगे, अभी करेंगे उत्तान पादासन, दोनों पैर 6 इंच ऊपर उठाएंगे और ऐसा होल्ड करेंगे, ऊपर उठा के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, कितना हो सके ऐसा होल्ड करना है 1 मिनट से 2 मिनट तक, इससे पेट ज्यादा से ज्यादा कम वक्त में कम हो जाएगा, वजन भी कम हो जाएगा। श्वास छोड़ के ऑफिस नीचे आना, ऑफिस करेंगे तन पदासन, श्वास भरा और ज्यादा नहीं उठाना, 6 इंच उठाना है, होल्ड करना है अपने हिसाब से, श्वास के वापिस नीचे आना। इसके बाद में करेंगे नौकासन, अभी पैर उठा है, अभी हाथ भी उठाना है और सिर के भी उठाना है, दोनों पंजे हाथ और सिर एक लाइन में आना चाहिए, नौकासन टॉस करके जैसा होल्ड करना है, सुड़त सबका, और एक बार करेंगे श्वास लेके 1, श्वास सुड़त, श्वास छोड़ के नीचे आना, अभी ध्वनि घुटने मोड़ो, इसके बाद करेंगे कंदरासन, अपने हाथ में ईडी को पकड़ना है और श्वास के अपने कमर को बीच में से उठाना है, पूरा भार अपने कंधे के ऊपर आना चाहिए, ऐसा पकड़ो, ऐसे ऐसा जितना हो सके उतना होल्ड करो,
श्वास छोड़ के नीचे आना है, और एक बार करेंगे श्वास भरो, वन इनआउट। इसके बाद करेंगे चक्रासन, दोनों हाथों कंधे के बाजी मिलाना, दोनों पैर में अंतर ले लो और आराम आराम से अपना पूरा शरीर को उठाना, शरीर को अर्ध हाफ सर्कल करना है। श्वास छोड़ के कॉपी ऐसा ऐसा पीछाना है, साइड में कर, और एक बार करेंगे दोनों हाथ कंधे के बाजू में और शरीर को पूरा उठाएंगे, जितना हो सके उतना होल्ड करेंगे। दोनों पे सीधा दोनों हाथ अपने कमर के बाजू में। इसके बाद करेंगे मर्कटासन, दोनों हाथ कंधे के बराबर, दोनों पैर मोड़ेंगे, दोनों पैर और घुटने मिले हुए छोड़ के अभी राइट साइड को घुमाना है और गर्दन को लेफ्ट साइड घुमाना है, और ऐसा होल्ड करना है, पेड़ के ऊपर पेड़ी गुटे के ऊपर घुटना। ऑफिस बीच में आएंगे, दूसरी तरफ लेफ्ट साइड घुटने के ऊपर एडी के ऊपर एडी और गर्दन को दूसरी तरफ घुमाना है, थोड़ा होल्ड करो, कमर के लिए बहुत अच्छा। श्वास छोड़ के वापिस आना है, वापिस एक बार करेंगे हम, जाएंगे राइट साइड को गर्दन लेफ्ट साइड को घुमाना है, थोड़ा होल्ड करो सीधा। अभी लेफ्ट साइड को और गर्दन और राइट साइड को श्वास लेके ऑफिस आना है, हो गया मर्कटासन एक नंबर का आसन। अभी दो नंबर का आसन के लिए दोनों पैरों में ऐसा फासला ले लो, वन फुट या कौन से आगे लेना है उतना, जितना हो सके उतना लेना है, और राइट साइड को घुटना मोड़ना है, जमीन पर टिकाना है और लेफ्ट वाला घुटना उसके पेड़े के या पंजे के ऊपर रखना है और गर्दन को लेफ्ट साइड को घुमाना है, ऐसा होल्ड करना है दो नंबर का मर्कटासन। अभी लेफ्ट साइड को घुटना टिकाना है, इसके ऊपर राइट साइड का घुटना ईडी के पंजे के ऊपर और राइट साइड को देख लें, श्वास लेके ऊपर और एक बार करेंगे वन टू थ्री फोर। अभी दोनों पैर सीधा करें, मर्कटासन तीन नंबर वाला राइट वाला पैर सीधा उठाएंगे 90 डिग्री में उठाएंगे और लेके जाएंगे उसको लेफ्ट साइड लेफ्ट हैंड के ऊपर और अपने गर्दन को राइट साइड को देखना है, दोनों पैर सीधे तीन नंबर का मर्कटासन, ऑफिस पैर को ऊपर मुंडी सीधा ऑफिस पैर को नीचे ला। अभी लेट वाला पैर 90 डिग्री उठा, उसको लेके जाना है राइट साइड गर्दन लेफ्ट साइड,
पैर सीधा, गर्दन सीधी और ऐसा ऐसा नीचे जाए। और एक बार करेंगे, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2 और 1 हो गया मर्कटासन 3 नंबर का। अब मर्कटासन 4 नंबर के दोनों पैर सीधा उठेंगे, दोनों पैर लेके जाएंगे राइट साइड को, राइट हैंड के ऊपर रखेंगे, गर्दन दूसरी तरफ, पैर सीधा और जगह पे जाएंगे ऐसा। अभी लेफ्ट साइड 1, 2, 3, 4 और एक बार करेंगे 1, 2, 3, 4, 3, 2 और 1 हो गया मर्कटासन 1, 2, 3, 4। अभी करेंगे पवनमुक्तासन, दोनों हाथ को वैसे उंगलियों को फंसाएंगे ऐसे रखेंगे और राइट वाला उठना बंद किया कि छाती की तरफ खींचना है ऐसे, बाद में गर्दन उठा के अपने सिर को या नाक या माथा घुटने को लगाना है, थोड़ा होल्ड करना है कौन होता है मुक्तासन, तो सिर के गर्दन नीचे पैर जगह वे लेफ्ट साइड पहला खींचो, छाती की तरफ खींचना है पूरा, बाद में छोड़ छोड़ के नाक या माथा उठने को लगाना है, माथे के नीचे पैर जगह और 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 अभी दोनों पैर मोड़ना है छाती की तरफ खींचना है और गर्दन को उठा के दोनों घुटने के बीच में ऐसे लगाना है बालासन, ऐसा होल्ड करना है के गर्दन जगह पे पैर जगह। और एक बार करेंगे 1, 2, 3 लंबा पैर जगह पे। इसके बाद करेंगे चलत पौद मुक्तासन, यही वृद्धि करना है ऐसा, दोनों घुटने मोड़ना ऐसा और बनने से आगे पीछे पीछे करना है अपने पीठ पे 33 मन के इसको व्यायाम, आपने अपने पीठ पे मालिश हो जाती है इस बार अभी करो राइट साइड को घुटना है लेफ्ट साइड को राइट साइड को लेफ्ट साइड को अभी राइट साइड को, बाद में दोनों पैर सीधा करेंगे। अभी करेंगे अर्धहलासन, दोनों हाथ कमर के बाजू में, राइट वाला पैर ऊपर उठाएंगे ऐसा सीधा 1 अर्धहलासन नीचे लेफ्ट वाला ऊपर नीचे, अच्छा ऊपर नीचे करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
टेन, एक पैर से हो गया। अभी दोनों पैर आराम आराम से उठाएंगे ऐसा, 90 डिग्री ऐसा, अर्धा सांस छोड़ के वापिस पैर को ऊपर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो गया। और जलास की बात करेंगे, एक पैर उत्तासन, राइट वाला पैर ऊपर उठाएंगे, घड़ी की तरफ ऐसे घुमाएंगे पूरा सर्कल करके ऐसे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अभी घड़ी के ऊपर दूसरी भी उल्टा घूमना है ऐसा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अभी लेफ्ट वाला पैर ऊपर घड़ी की तरफ दिशा में घुमाना है, पूरा सर्कल करना है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 विरुद्ध उल्टा घूमना है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, और 1 ये हो गया। एक बात उत्तर, अभी दोनों पैर से करना है, दोनों पैर ऐसा 90 डिग्री ऊपर उठाना है और पूरा सर्कल करना है ऐसा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अभी उल्टा घूमना है, 10, 9, 8, 7, 6 दिलीप जी अपना समय हो रहा, 5 मिनट बैलेंस है सर। हाँ सर, लास्ट करेंगे अभी, 3, 2, और 1 अभी लास्ट वाला दो करेंगे द्विचक्रिकासन, दोनों उतने अपने छाती की तरफ मुड़ेंगे और आज सर्कल करेंगे ऐसा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तो उल्टा घुमाएंगे, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, और 1 बाद में करेंगे साइकिलिंग क्रॉस साइकिलिंग, लास्ट वाला 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 रिलैक्स, दोनों पर सीधा करेंगे, 1 मिनट के लिए करेंगे शवासन, दोनों पैरों में फासला, दोनों हाथ अपने कमर के बराबर, गर्दन जिधर अच्छा लगे उधर घुमाना ऐसा, थोड़ा रिलैक्स होना ऐसा, बाद में दोनों पैर मिला के लेफ्ट वाला घुटना मोड़ना है और मोड़ के ऐसा उठना है।
हाँ सर, ओम सर। अभी समापन की ओर बढ़ते हैं। हाँ ओके, अभी शांति पढ़ लेंगे। हेलो, शांति पढ़ लेंगे। हाँ शांति पाठ भरो। हाँ ठीक है, चलो अभी चाहते हुए अभी प्राणायाम बचा है टाइम की वजह से। चलो सीधा बैठो, अभी करेंगे शांति पाठ। दोनों हाथ अपने पुट्टी के ऊपर सीधा बैठना है। एक एक बार ओम का उच्चार करेंगे, श्वास भरो। स्वस्तिर्भवतु, शान्तिर्भवतु, पूर्णं भवतु, मङ्गलं भवतु। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कचित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ जो शान्तिः, अन्तरिक्षशान्तिः, पृथ्वी शान्तिः, आपः शान्तिः, औषधैः शान्तिः, वनस्पते शान्तिः, विश्वदेवा शान्तिः, ब्रह्मा शान्तिः, सर्वं शान्तिः, शान्तिरेवं शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ स्वामीजी आचार्य अपना सर्वांना ओम ओम मातेला नमन। भरत माता की जय। वंदे मातरम। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। धर्मवीर शिवाजी महाराज की जय। योग करो, सोच करो, सोच करो, योग करो, करे योग रहे निरोग। ओ माता की जय। सब संतन की जय। आप सब की जय। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज हमारे संवाद अंतरराष्ट्रीय योग वर्ग एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योगा में इस त्रिवेणी संगम में ज्ञान की जो गंगा है वो बहती है। आज उसमें हमारे और एक्सपर्ट एक योगा ट्रेनर जो भोसरी पुना से है, दिलीप जी यादव, और जिला परिषद में सर्विस करते थे और बहुत अच्छे ट्रेनर है। उन्होंने उनके एक्चुअली ऑफलाइन क्लासेस होती है, सुबह शाम ऑफलाइन क्लासेस होती है। ऑनलाइन फर्स्ट टाइम उन्होंने लिया है, फिर भी बहुत अच्छा लिया है। और नहीं, एकदम मस्त है, एकदम बढ़िया। कॉन्ग्रेचुलेशंस दिलीप जी। और आज आज एक हमें खुशी हो गई, ज्यादा आसन करके लिए आपने। प्राणायाम तो हम करते ही है, आसन ज्यादा होना था क्योंकि शारीरिक क्रिया ज्यादा महत्वपूर्ण है और बीच बीच में भूल जाते हैं कौन सा आसन है क्या है। तो आपने आसन पूरे करके लिए, बहुत अच्छी तरह से करके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों संस्थाओं की ओर से। सभी को रिक्वेस्ट करूंगा ताली बजा के हम उनका आभार व्यक्त करेंगे। बहुत आभार आभार आभार। और ओम सर, आप खुद भी करते और लोगों को भी पढ़ाते, ये बहुत अच्छी बात है कि स्वार्थ से परमार्थ, हमारा स्वार्थ भी हो जाता है और परमार्थ भी हो जाता है। और परमार्थ जब करते हैं तो आपका जो सीरोटोनिन है हार्मोन्स, वो बहुत अच्छा क्रिएट होता है। तो इसीलिए हमने जो भी क्रिया परमार्थ के लिए साथ में करना चाहिए, बहुत अच्छा कार्य आप भोसरी पूना में कर रहे हैं। आपके जो ट्रेनर है नामदेव राव घोगरे सर, वो भी हर बार हमारे संवाद में बहुत अच्छा क्लास लेते। आज भी मेरे ख्याल से जुड़े थे वो सर, अभी क्या मालूम है कि नहीं, उनका भी एक क्लास और लेना है। तो बहुत ही सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्हों कुछ प्रश्न होंगे तो पूछ सकते। आनंद मल सर पहले हमारे एमपी के फिटनेस क्लासेस के फीडबैक ले लीजिए पहले। जिन्हें जिन्हें कुछ बात करना है तो बिल्कुल बात कर सकते हैं। हाँ जी, सुचेता जी कुछ बात करना चाहते। बहुत सुंदर, आणि आज एवढे सुंदर घेतलेत, आता मराठी बोलते आणि मी पण मराठीतूनच थोडस पुण्यातूनच आहे मी पण। खूप सुंदर, म्हणजे आज एवढे म्हणजे शरीराला
आवश्यक खूप सुंदर म्हणजे पहिल्या स्टार्टिंग पासून जे म्हणजे घेतलं खूप सुंदर घेतलं खूप धन्यवाद आणि खूप छान वाटलं इतकं रिलॅक्स फील झालं ना खूप आणि सगळे घेते ए टू झेड म्हणतात ना ते सगळे घेते तुम्ही खूप सुंदर खूप खूप धन्यवाद बहुत बढिया बहुत थँक्यू चला अर्चना जी पुण्यावरूनच आहे अर्चना जी बोला मी पुणे निगडी म्हणून बोलते निगडी हा हा आवाज आ रहा बोली बोली निगडी हा नमस्कार सर भौती खूपच छान घेतले योगासन आसन आज नक्कीच वेट कमी झाला असणार वेट कमी पडला बरा छान हा खूप छान थँक्यू धन्यवाद सर धन्यवाद तीसरे भी हमारे बॉन्ड सर है वो भी पुणे से बोलिए अलीबाग के वैसे लेकिन पुणे में शिफ्ट हो गए अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद हैप्पी थॉट्स आज का क्लास बहुत अच्छा हुआ और हमें धीरे धीरे से पढ़ा नमस्कार बहुत ही अच्छे हुए और बहुत करते रहो हमारे पास जो लेना है बांटना है बांटने से हमारी खुशी बढ़ती है ये सब आपने सिखाया इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद हैप्पी थॉट्स धन्यवाद बंट सर और चौथे हमारे साधक जो नागपुर के लेकिन कल से ही पुणे गए हैं तो वो भी बात करेंगे हमारे सदाशिवराव पुणे सर पुणे का बहुत ज्यादा आज मेजोरिटी है मेजोरिटी फर्स्ट छान क्लास घेतला सर तुम्ही बहुत सुंदर वाटलं बिलकुल आणि एकदम प्रसन्न वाटलं बिलकुल शरीर आणि एक म्हणजे कठीण व कठीण आणि चांगला सोप्या सोपा तुम्ही क्लास घेतला आणि खूप चांगला वाटत क्लास करताना सर थँक्यू थँक्यू बहुत बढिया और आप कहा पे भी गए तो जुड़े रहते ये बहुत अच्छी बात है खुशी की बात है अभी लड़की के तरफ है वो फिर भी ज्वाइन हो गए नहीं तो घर जाने के बाद कैसा ज्वाइन हो क्या बहुत अच्छा ये रुचि बताती आपकी बहुत धन्यवाद और कोई बात करना चाहते तो बिल्कुल आपकी बात रख सकते हैं और ना लास्ट में हमारे आनंदमल सर कमलताई कुछ बोलना चाहते हैं आप कमलताई फुलझेले फॉरम बड़ौदा गुजरात नमस्कार सर मी पण पुण्यावरूनच बोलते सर आज अरे नमस्कार सगळे पुण्यावरून कमलताई बड़ौदाचे आहेत ते पुण्याला गेल्यात सगळं पुण्याला दिलीप जी काय केलं आज तुम्ही मराठीत बोलला सगळे पुण्याला घेऊन गेले तुम्ही ओके 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 नागेश्वर कल जो हमारे ट्रेनर आने वाले वो भी पुणे से ही है वो भी पुणे से अरे वाह वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया पुणे पुणे तिथे काय उने नहीं का सब ट्रेनर है सब 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 बढ़िया चला हाँ कमल ताई बोला बोला मी पण पुण्यावरूनच बोलते सर कारण माझा नातू इथे आहे त्याच्यामुळे मी त्याच्याजवळ इथे आता आलेली आहे आणि आजचा क्लास खरंच खूप छान झाला इतक्या प्रकारचे आसन आज पहिल्यांदाच करता आले हे माझं नशीब सर कारण काही आसन नाही जमत वयानुसार पण जेवढे जमतात तेवढे मी करते सर यस यस त्याबद्दल आपले खूप खूप धन्यवाद नाही नाही तुम्ही खूप चांगले करता म्हणजे पूर्वीपेक्षा खूप बदल आहे तुमच्यामध्ये खूप फ्लेक्सिबिलिटी आहे प्रसन्नता आहे मानसिक स्थिरत्व आहे हे सगळं मला दिसून पडते तर नक्की खूप बदल आहे आणि जास्त कठीण करायचे नाही यथाशक्ती जी काही आपली शक्ती आहे त्याच्यानुसार करायचे आहे हा बस बस जिथं आपल्याला स्थिरत्व भेटते तिथं थांबून जायचं स्थिर सुखासन तर नक्की तेवढंच करायचं जेवढं झेपते तेवढं ओके शानदार बहुत ही शानदार बहुत बढिया हा आनंदमल सर बिलकुल नमस्कार थँक्यू धन्यवाद डांगे सर दिलीप सर आपने बहुत ही शानदार तरीके से सबको आज मेरे को लग रहा है थोड़ा डोज ज्यादा हो गया है क्या नहीं नहीं ज्यादा तो नहीं हुआ ना देखिए हमारे हमारे जो योगा अभ्यास नियमित करने वाले लोग हैं मैं देख रहा था इनकी स्टेमिना कितनी ज्यादा है भाई आज तीन सूर्य नमस्कार भी लोग करते हैं उसके बाद में उनकी हालत खराब हो जाती है और इतने सूर्य नमस्कार करने के बाद सारे मैं जिनके जिनके वीडियो ऑन था मैं देख रहा था बहुत ही बढ़िया तो ये हमारी स्टेमिना कैसे बढ़ती है योगाभ्यास के द्वारा ज्वलंत उदाहरण हमने आज देखा एकदम हमारे नॉन स्टॉप इतने आसन जो सेशन हम तीन सेशन में लेते हैं आज एक ही सेशन में सारा पूरा का पूरा लग रहा है मुझे हो गया है तो बहुत ही शानदार स्टेमिना सबकी बहुत बढ़ी हुई है लग रहा है अभी भी देखिए थकावट किसी के चेहरे पे नहीं दिख रही है
इतना करने के बाद भी सब स्माइलिंग और हंसते हुए आपको लग रहा है पूरा शरीर हल्का हो गया है। तो योगा अभ्यास करने से हमारी स्टेमिना बढ़ती है, ये बात तो आपको अभी मालूम पड़ गई होगी। तो बहुत ही शानदार तरीके से आपने कराया दिलीप सर, बहुत बहुत धन्यवाद। एमपी के फिटनेस क्लासेस, कल्याणम योग केंद्र और संवाद इंटरनेशनल की तरफ से, तीनों संस्थाओं की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो अभी हम संकल्प सूत्र के साथ समापन की ओर चलेंगे। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी उच्चारण करें। मैं आनंदमय हूँ, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो, इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। बहुत बहुत धन्यवाद डांगे सर आपका भी, जो भी भाई बहन जुड़े हमारे सब सबका बहुत बहुत आभार। तो कल जैसा कि मैंने बताया, कल हमारे ट्रेनर जो है वो भी पुणे से जुड़ने वाले हैं और बहुत ही एक शानदार टॉपिक, साइंटिफिक मेडिटेशन। साइंटिफिक मेडिटेशन क्या होता है और मेडिटेशन से हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, बिना दवा के हम ध्यान के द्वारा अपनी बीमारियों से कैसे मुक्त हो सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। और बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से जो मेडिटेशन होता है उसका हम अभ्यास भी करेंगे, प्रयोग भी करेंगे। तो पुणे से कल हमारे साथ ज्योतिन्द्र जी जवेरी, जाने माने इंटरनेशनल लेवल के मेडिटेशन ट्रेनर हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। तो कल इसी समय हमें जुड़ना है, कल की लिंक आपको शेयर कर दी जाएगी ग्रुप में, तो उसी से आपको कल ज्वाइन करना है। ओम ओम, गुड डे टू एवरीवन, सभी का बहुत धन्यवाद। दिलीप जी धन्यवाद आज का, गुड डे टू एवरीवन। और यहाँ पे मीटिंग हम खत्म करते आज की, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद।